हाय गाइस, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2022 में आई एक बंगाली वेब सीरीज संपूर्णा को। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वेब सीरीज की कहानी एक हवस के भूखे ऐसे इंसान की है जो अपने हवस को शांत करने के लिए अपनी पत्नी को पागल कुत्तों की तरह काटता है और मारने से भी बाज नहीं आता। वो अपनी पत्नी को नोचना दबोचना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी पत्नी भी एक इंसान है। इस वेब सीरीज की स्टोरी मुख्य रूप से ये बताता है कि प्यार और हैवानियत में काफ़ी अंतर होता है। कई बार महिलाएं ये सोच लेती हैं कि उसके पति की हैवानियत शायद उसका प्यार है और अपने पति की हैवानियत को बर्दाश्त करती जाती है, पर बर्दाश्त भी करे तो कब तक। इसी कहानी पर आधारित है ये वेब सीरीज। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दुल्हन के जोड़े में एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है नंदिनी, और उसके साथ उसकी भाभी को देखते हैं जिसका नाम है संपूर्णा। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और एक हफ्ते पहले की सीन को हम देखते हैं, जहाँ संपूर्णा अपने देवर रक्तिम की शादी की तैयारी कर रही होती है। तब वहाँ रक्तिम की माँ आकर ये कहती है कि अब ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि रक्तिम और नंदिनी की कुंडलियाँ नहीं मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपने माता पिता के साथ शादी की शॉपिंग कर रही होती है। तभी अचानक से रक्तिम के पापा नंदिनी के पापा को फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों की कुंडलियाँ नहीं मिल पाई, इस कारण ये शादी नहीं हो पाएगी, जिससे नंदिनी के माता पिता परेशान दिखाई देते हैं। फिर एक दिन रक्तिम की माँ रक्तिम को कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखाती हैं और कहती हैं कि शादी उसी दिन होगी पर लड़की अलग होगी। तब रक्तिम गुस्से से उठकर वहाँ से ऑफिस चला जाता है। उसके बाद रक्तिम जब शाम में घर आता है तो अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर संपूर्णा आ जाती है और अपनी सास से ये कहती है कि रक्तिम को सिर्फ नंदिनी से ही शादी करनी है, इसके लिए हम रक्तिम के लिए पूजा करवाते हैं ताकि दोनों की कुंडलियां मिल जाए। और फिर पूजा होती है और पूजा होने के कुछ दिनों के बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के वक्त नंदिनी काफ़ी खुश नजर आती है। अब सीन वापस टेरिस पर आ जाती है, जहां पर नंदिनी से उसकी भाभी संपूर्णा पूछती है कि क्या हुआ। नंदिनी अपने साथ हुई बातों को छुपाते हुए कहती है कुछ नहीं और रोने लगती है, जिस पर संपूर्णा ये कहती है कि पहली बार ऐसा ही होता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, और नंदिनी को समझाकर उसके रूम में ले जाती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी अपने हनीमून पर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम संपूर्णा की फ्रेंड स्मिता को देखते हैं जो NGO चलाती है। वो संपूर्णा को कहती है कि एक नया प्रोजेक्ट आया है और क्या तुम NGO ज्वाइन करोगी, और संपूर्णा कहती है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, और नंदिनी के बारे में ये बताती है कि वो लोग हनीमून पर गए हैं। तभी दूसरे सीन में हम रक्तिम और नंदिनी को एक होटल के कमरे में देखते हैं, जहां रक्तिम नंदिनी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और तभी रक्तिम अपने भाई प्रीतम को ये फ़ोन कर बताता है कि नंदिनी इज मिसिंग, जिस पर संपूर्णा फ़ोन ले लेती है और रक्तिम से कहती है कि क्या तुमने पूरा होटल खोजा है, और रक्तिम गार्ड के साथ मिलकर नंदिनी को ढूंढने लगता है। इसके बाद नंदिनी रक्तिम को टेरिस पर मिलती है जो काफ़ी डरी हुई होती है। इसके बाद रक्तिम और नंदिनी घर वापस आ जाते हैं। संपूर्णा नंदिनी से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और नंदिनी अपने कपड़े को हटाकर अपने बॉडी पे काटने का निशान दिखाती है। नंदिनी के पूरे बदन पर काटे जाने के गहरे निशान होते हैं जो कि रक्तिम ने नंदिनी के साथ किया था। इस पर संपूर्णा नंदिनी से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रक्तिम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, और उससे कहती है कि क्या तुमने इसके लिए मना नहीं किया, और नंदिनी काफ़ी रोने लगती है, और नंदिनी की बातें सुनकर संपूर्णा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम प्रीतम और संपूर्णा को देखते हैं। प्रीतम संपूर्णा से कहता है कि क्या तुम नंदिनी की बातों से अभी भी डिस्टर्ब हो, जिस पर प्रीतम ये कहता है कि रक्तिम ये कह रहा था कि नंदिनी मेंटली डिस्टर्ब है।
जिसपे संपूर्णा गुस्से से कहती है कि मेंटली डिस्टर्ब नंदिनी नहीं है, तुम्हें पता है कि रक्तिम ने नंदिनी के साथ क्या किया है, और सारी बातें प्रीतम को बता देती है। और प्रीतम से कहती है कि तुम अपने भाई रक्तिम से बात करो, पर प्रीतम इसके लिए मना कर देता है कि मैं ये सब बातें अपने भाई से नहीं कर सकता, और वहाँ से ऑफिस चला जाता है। इधर रक्तिम नंदिनी से ये कहता है कि क्या तुम हमारा नया फ्लैट देखने चलोगी। इस पर नंदिनी ये कहती है कि देखना क्या है, और तभी संपूर्णा वहाँ आ जाती है और रक्तिम से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर रक्तिम कहता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने के बाद बात करते हैं, और वहाँ से चला जाता है। फिर संपूर्णा नंदिनी को वॉक पर लेकर जाती है ताकि नंदिनी का मूड ठीक हो जाए, लेकिन नंदिनी काफ़ी डरी हुई रहती है और संपूर्णा से कहती है कि मुझे रक्तिम का हर वक्त वही चेहरा याद आता है, आप यकीन करो कि वो उस हालत में अजीब ही बिहेव करने लगता है और रात होते ही मुझे काफ़ी डर लगने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है। जिस पर संपूर्णा कहती है कि रो मत, मैं रक्तिम से बात करूंगी। संपूर्णा इस बारे में रक्तिम से बात करती है, जिस पर रक्तिम कहता है कि भाभी मुझसे गलती हो गई है, आप जो सजा देना चाहे मुझे दे सकती हैं। और संपूर्णा ये कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रक्तिम नंदिनी के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दूसरे दिन नंदिनी ने संपूर्णा से कहा कि रक्तिम ने मुझे सॉरी बोला है, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर संपूर्णा कहती है कि तुम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, पर मैं नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं मुसीदाबाद जा रही हूँ, वहाँ मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। और संपूर्णा मुसीदाबाद चली जाती है, और इधर नंदिनी और रक्तिम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें रक्तिम अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि नंदिनी बाथरूम में गिर गई है, आप लोग सभी हॉस्पिटल में आ जाओ। तभी संपूर्णा भी वापस आ जाती है। संपूर्णा को शक होता है, वो रक्तिम से पूछती है कि आखिर नंदिनी ऐसे कैसे बाथरूम में गिर गई। इस पर रक्तिम कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे गिर गई, हम काफ़ी खुश थे। ये तुम कह रहे हो, पर नंदिनी को होश में आने दो, देखते हैं नंदिनी क्या कहती है। इसके बाद नंदिनी बेहोशी की हालत में ही डॉक्टर के सामने बड़बड़ाने लगती है। वो बोलती है कि रक्तिम मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। फिर नंदिनी को होश आ जाता है और संपूर्णा नंदिनी से मिलने जाती है। नंदिनी संपूर्णा से ये कहती है कि मुझे रक्तिम प्यार करता है तो इतना क्यों मारता है। और नंदिनी की तबीयत खराब हो जाती है, और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, और उस ऑफिसर का नाम ASI प्रीता दत्ता होता है। प्रीता दत्ता डॉक्टर से ये कहती है कि मुझे पेशेंट से मिलना है। इस पर डॉक्टर उससे कहता है कि अभी आप उससे बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद प्रीता दत्ता वहाँ से जाने लगती है। तब संपूर्णा पुलिस के पीछे दौड़ती हुई आती है और कहती है कि नंदिनी का रेप हुआ है, जो उसके पति रक्तिम ने उसके साथ किया है। इस पर वो कहती है कि इसे रेप नहीं कहा जा सकता, और अगर तुम्हें केस करना भी है तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर केस कर सकती हो, और वो भी तब जब पेशेंट गवाही दे तो। इसके बाद संपूर्णा गुस्से में अपने घर जाती है और अपनी सास से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि रक्तिम को समझाओ, पर आपने रक्तिम को समझाया नहीं, और काफ़ी झगड़ा करती है। इसके बाद नंदिनी को होश आ जाता है और रक्तिम नंदिनी से मिलने जाता है। वो नंदिनी से कहता है कि पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम कह देना कि तुम बाथरूम में गिर गई थी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर प्रीता वहाँ पहुँच जाती है और नंदिनी से बातचीत करने लगती है, और नंदिनी उसे सब कुछ बता देती है, और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस आकर रक्तिम को अरेस्ट कर लेती है। अब रक्तिम के घर वाले लॉयर के पास जाकर रक्तिम की बेल के लिए कहते हैं। इस पर वकील कहता है कि अगर नंदिनी ये कह दे कि ये एक एक्सीडेंट था तो उसे बेल मिल जाएगी। अब दूसरे सीन में संपूर्णा स्मिता को कॉल करके नंदिनी के बारे में सब कुछ बताती है और बोलती है कि हमें नंदिनी के लिए एक अच्छा वकील करना चाहिए। इस पर स्मिता ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी।
उसके बाद संपूर्णा नंदनी से हॉस्पिटल मिलने जाती है। नंदनी संपूर्णा से ये कहती है कि कल रक्तिम आया था और वो मुझे बोल रहा था कि जब पुलिस आए तो ये बोलना है कि मैं बाथरूम में गिर गई थी। जिस पर संपूर्णा नंदनी को ये बताती है कि रक्तिम को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरी तरफ रक्तिम की माँ और भाई नंदनी के माता पिता को समझाने जाते हैं और ये कहती है कि नंदनी को ये कहो कि वो कंप्लेन वापस ले ले। नंदनी अपनी माँ के बातों में आ जाती है और वो कंप्लेन वापस ले लेती है, जिसके बाद रक्तिम जेल से छूट जाता है और नंदनी अपनी माँ के घर चली जाती है। इधर प्रीतम संपूर्णा को घर से निकाल देता है और घर के सभी लोग संपूर्णा से काफी नाराज रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और संपूर्णा स्मिता के घर जाती है और काफी रोती है और वो बोलती है कि उसके पति ने उसे कैसे घर से बाहर निकाल दिया। इस पर स्मिता उससे कहती है कि जितना मन हो उतना रो लो क्योंकि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। इसके बाद हम 2 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं, जिसके बाद संपूर्णा नंदनी से मिलने जाती है और संपूर्णा से कहती है कि सॉरी दीदी मैं क्या करूं, और वो बोलती है कि रक्तिम ने मुझे काफ़ी बार सॉरी बोला है और अपने बर्थडे के बारे में बताती है और वो बताती है कि रक्तिम उसे अपने फेवरेट जगह पर ले जाएगा। तभी नंदनी की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि अब नंदनी को रेस्ट करना चाहिए और संपूर्णा वहाँ से चली जाती है। इधर रक्तिम नंदनी को रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ पर नंदनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नंदनी वॉशरूम में जाती है जहाँ पहले से ही संपूर्णा और स्मिता खड़ी हुई होती है और वहाँ से नंदनी को अपने एनजीओ ले जाती है जहाँ पर रक्तिम की एक्स गर्लफ्रेंड आई हुई होती है। वो नंदनी को बताती है कि रक्तिम कैसा इंसान है। वो बताती है कि हम दोनों 1 साल रिलेशनशिप में थे, रक्तिम मुझे भी बहुत मारता और पीटता था, मैं उसके प्यार में पागल थी और उसे बहुत प्यार करती थी। तभी प्रीता ये कहती है कि नंदनी अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तभी नंदनी कहती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है। तभी स्मिता हंसते हुए नंदनी को अंदर लेकर जाती है और दिखाती है कि इन औरतों के साथ भी तुम्हारे जैसा ही हुआ है। वो सभी नंदनी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जितनी जल्दी इन सभी चीज़ों से बाहर आ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद प्रीता भी अपनी कहानी सुनाती है कि उसका पति उसे किस तरह से मारता पीटता था। तब प्रीता को उसे छोड़कर भागना पड़ा था और नंदनी रोने लग जाती है। दूसरी तरफ रक्तिम अपने घर जाता है। रक्तिम की माँ रक्तिम से पूछती है कि आखिर नंदनी होटल से कहाँ चली गई। तभी वहाँ पर नंदनी और संपूर्णा आते हैं। तभी रक्तिम नंदनी से कहता है कि तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदनी जाने से इनकार कर देती है पर रक्तिम नंदनी का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तब संपूर्णा रक्तिम से कहती है कि नहीं का मतलब नहीं होता है और रक्तिम संपूर्णा को भी काफ़ी भला बुरा सुनाने लगता है। तभी नंदनी आगे बढ़ती है और रक्तिम को एक जोरदार का चाटा जड़ देती है। रोते हुए कहती है कि तुमने मेरे शरीर पर जितने दाग दिए हैं मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें उतना ही मारूँ, और रोने लगती है और रोते हुए सभी लोगों से कहती है कि काश आप लोगों ने रक्तिम को समझाया होता तो ये सब नहीं होता। इसके बाद रक्तिम की माँ संपूर्णा से ये कहती है कि तुम नंदनी को समझाओ। इस पर संपूर्णा ये कहती है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे इस बात का ताना दिया कि मैं माँ नहीं बन पाई, पर क्या आपने अपने बेटे से पूछा कि आखिर मैं माँ क्यों नहीं बन पाई, और अब जो भी कहना है कोर्ट में आकर कहो। और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद नंदनी संपूर्णा प्रीता और स्मिता चारों मिलकर कोर्ट जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।